लोग कोस्टल रोड के विरोध में खड़े हैं मगर डेवलपमेंट के विरोध में नहीं खड़े हैं। ये कोस्टल रोड जो बनने जा रहा है उसके सभी, मुझे लगता है बेलापुर के रहवासी सभी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर जो ये रोड पे है, जो यहाँ 30 साल की लोगों की मेहनत है, जिसको सजाया है, प्लांट है, रोड है, घर को, आज वो उजड़ने के कगार पे, इसलिए लोग आज विरोध में खड़े हैं। आज जब ये डीपी बन रहा था, यहाँ के लोकल विधायक उस डीपी में मौजूद थे, उस समय इस डीपी का लोकल विधायक ने विरोध नहीं किया। ये सरकार अपने मन की बात करती है, लोगों के दिल की बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने सिटको से प्लान मांगा, आपका प्लान क्या है, तो बोलते मैं इसी रोड को यूज करूंगा। लोगों का वोट चाहिए पर लोगों की मर्जी नहीं चाहिए, लोगों की मतलब पूछने की उनको हौसला नहीं हो रहा है कि लोग क्या चाहते हैं। अगर आपको डेवलपमेंट करना है, सामने समुद्र तल है, उस पर आप ब्रिज बनाइए, इस रोड को क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये रोड यहाँ के रहवासियों का है, जो पूरे बेलापुर नवी मुंबई के लोग सुबह जॉगिंग ट्रैक करते हैं उनके लिए है। आज उस रोड को उजाड़ने जा रही है, इसलिए ये लोग आज यहाँ विरोध में करे हैं। कोई डेवलपमेंट के विरोध में नहीं कर, 30 साल की मेहनत है, ये छोटी मेहनत नहीं है, एक अरसा गुजर गया लोगों की इस रोड को बचाने। तो आज इसलिए बेलापुर के पूरे रहवासी सेक्टर 11 के लोग हों, सेक्टर 15 के लोग हों, आज रोड पे हैं, अपनी शांति विरोध कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं जागे, इससे भी तीव्र आंदोलन की जाएगी सुटको के सामने। ये सरकार को किसी तरह इस प्लान को कैंसिल करना होगा। ये सरकार 2 महीने की है, ये सरकार 2 महीने में उजर जाएगी। इसके बाद हमारी सरकार आई तो हम इस योजना को कैंसिल करके उस तरफ समुद्री तल पे दूसरा प्रोजेक्ट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कोस्टल रोड का जो प्रकल्प है वो एक तरीके से इनको मान्य नहीं है। आपने कुछ दिन पहले अगर देखा होगा, कुछ महीने पहले मुंबई में एक आर्टिकल आया था जिसमें कहा गया था कि मुंबई में ओवर डेवलपमेंट की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल इफेक्टेड हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप अपना कैमरा घुमाएं तो यहाँ पे एक पूरा एनवायरमेंटल जोन बनाया है, एक पूरा पीसफुल जोन बनाया हुआ है, और ये सिटको ने नहीं बनाया है, ये यहाँ के रहवासियों ने बनाया है। लेकिन मैं आज की तारीख में सिटको इसी को यूज करके उसको खराब करने की कोशिश कर रही है, जिसके विरोध में आज यहाँ पे लोग आए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके लिए एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन ऑलरेडी लोग प्रपोज कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट को कोई विरोध नहीं है, लेकिन सिटको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वो नहीं मानती है शांतिपूर्वक इस प्रदर्शन को, हमारी डिमांड्स, तो हम आने वाले दिनों में जरूर इसको आक्रमक का रूप देंगे। नमस्कार, आमचा विरोध जो आहे तो सेक्टर 15 आणि 11 मधला जो हा एक्झिस्टिंग रोड आहे, जो या बँगलोरला लागू नाही, आणि जे लोक आज सेक्टर 11 आणि 15 मध्ये लोक जॉगिंग ट्रॅक आणि सकाळच्या वॉक साठी हजारो लोक हा रोड वापरते, तर हा रोड मेन रोड हायवे म्हणून वापरू नये म्हणून आमचा प्राथमिक हा विरोध आहे। दुसरा विरोध आमचा इकडच्या झाड्या तोडणीला आहे, आणि सिडको जी आज हायकोर्टात गेलेला आहे मॅनग्रोव्ज कापण्यासाठी, त्या गोष्टीलाही आमचा विरोध आहे। कारण इकडचं पूर्ण ब्युटिफिकेशन आणि मॅनग्रोव्ज कापल्यानंतर जो धोका ह्या इकडच्या रहिवाशांना होणार आहे तो थांबवण्यासाठी म्हणून आज ही मानवी साखळी सेक्टर 11 आणि 15 ह्या सगळ्या रहिवाशांनी इकडे तयार केलेली आहे, आणि आम्ही ह्याला पूर्णपणे जोरदार विरोध करणार आहोत। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सेक्टर 11-15 मधला रोड हा आम्ही त्यांना हेवी ट्रॅफिक मेन रोड हायवे म्हणून वापरला देऊ देणार नाही आहोत आम्ही, आणि कुठलंही झाड कपलं जाणार नाही। विषय दुसरा असा आहे की आज इकडचे जी सत्ता आहे, जी शिवसेना भाजपाची, यांना हे दर आठवड्याला महानगरपालिकेमध्ये मीटिंगला जातात, यांना प्रत्येक आठवड्याला माहिती पडते की डे टू डे काय त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होत आहे, डीपीमध्ये काय, त्यावेळेला का विरोध केला गेला नाही या गोष्टीसाठी? आज लोक रस्त्यावर उतरल्यानंतर सरकारमधली लोक येऊन आज त्याला विरोध करतात, हे काहीतरी चुकीचं होतं। हे पूर्वीच ह्याला विरोध व्हायला पाहिजे होता, लोकांनी उतरण्या अगोदरच इकडच्या स्थानिक लोकांनी त्याला विरोध करायला पाहिजे होता, नेत्यांनी विरोध करायला पाहिजे।